सीकर रीट परीक्षा के पास करवाने के नाम पर रुपए लेने के बाद गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। आरोपी रानोली निवासी सुरेश यादव, अशोक मील तथा किशनपुरा निवासी हेमंत है, जो रीट का पेपर आउट करवाकर अभ्यर्थियों को पास करवाने की एवज में 7 से 15 लाख रुपए ले रहे थे। थानाधिकारी पवन चौबे ने बताया कि आरोपियों के मोबाइल में परीक्षा के करीब 50 प्रवेश पत्र भी मिले हैं। 14,000 रुपये नकदी के साथ चेक से भी लेन देन होना सामने आया है। उन्होंने बताया कि सुरेश रानोली में महालक्ष्मी रोजगार सेंटर व अशोक प्राइवेट कॉपरेटिव सोसाइटी संचालक है, जबकि हेमंत डिफेंस अकेडमी चलाता है। प्रभारी जांच में उनके एजेंट की भूमिका में काम करने की बात सामने आई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के सरगना तक पहुँचने की कोशिश में जुटी है। इधर सीकर के तार बैरोड से भी जुड़े मिले हैं। देर शाम भिवाड़ी पुलिस एवं SOG ने कार्रवाई करते हुए भगवाड़ी खुर्द निवासी विजय पुत्र बलवीर यादव को 11,10,000 की नकदी के साथ गिरफ्तार किया। रीट परीक्षा से पहले राजस्थान में एक ही दिन में हुई 2 कार्रवाई को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। रीट एग्ज़ाम को पेपर आउट करवा करके और कैंडिडेटों को पास करवाने के नाम पर पैसे लेने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 3 आदमी अरेस्ट किए हैं। इसमें हमारे को सूचना मिली थी कि 23 तारीख RJ 23 CC 9143 एक स्विफ्ट गाड़ी है, उस गाड़ी में हेमंत नाम का है जो कि लोगों से पैसे ले रहा है और एग्ज़ाम पास करवाने की गारंटी ले रहा है। इस पर उसको पकड़ा और उसके मोबाइल को चेक किया गया तो कम से कम 50 परमिशन लेटर नीट के मिले हैं और पैसों का लेन देन जरिए चैट हो रखा है। उसकी इतला पर हमने 2 आदमी जो कि महालक्ष्मी रोजगार सेंटर चलाता था अपने यहाँ, सुरेश यादव रानोली का और अशोक मील वो भी रानोली का है जो कि प्राइवेट कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाता है, उनको अरेस्ट किया है। इसके मेन सरगना जो जिनसे ये पेपर लेकर गया था उनके लिए हमने टीम भेजी हुई है। कितने रुपए लेते थे प्रति साथी से? ये 7-8 लाख रुपए से लेकर के 15 लाख तक में बता रहे हैं। बरामदगी कितने रुपए की गई? अभी तक मौके से 14,000 रुपए मिले हैं, बाकी हमारे पास कई चैट्स हैं जिनमें कई पैसों का लेन देन है।